आ गए नवाबजादे? आप भी ना। तुम तो चुप ही रहो, तुम कुछ मत बोलो, तुम ही ने बिगाड़ रखा है इसको। टाइम देखा तुमने? रात के 11 बज रहे हैं, ये कोई टाइम है कराने का? अरे क्यों पीछे पड़े रहते हो बाबा मेरे? तो तुम सुधर जाना, क्यों इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करता रहता है? ये टाइम तेरा करियर बनाने का है, उन बिगड़े हुए दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने का नहीं है। पापा कान खोल के मेरी बात सुन लो, मेरे दोस्तों के बारे में ना एक वर्ड नहीं सुनूंगा। देखा देखा तुमने कैसे जुबान लड़ा रहा है, कैसे अपने बाप को उल्टे जवाब दे रहा है? अरे आप शांति रखिए ना, वो बच्चा है। बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है, और शायद बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आज अपने बाप से जुबान लड़ा रहा है, उसे उल्टा जवाब दे रहा है। अरे यार मेरे पास ना आपकी ये बेफिजूल की बातों के लिए टाइम नहीं है। देखो बहुत टाइम से घूमने नहीं गया हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ, माइंड फ्रेश करना चाहता हूँ, पैसे दो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे? मैं रात दिन मेहनत करके, बल्कि कई बार एक्स्ट्रा काम करके एक एक पाई जोड़ता हूँ ताकि ये घर चल सके, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सके। और तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें दे दूँ ये सब ताकि तुम यूं बर्बाद करो ये सबको? कभी नहीं होगा। अरे माँ क्या है ये, हर टाइम इस आदमी का पैसों को लेकर रोना लगा रहता है, पैसों के अलावा कुछ नहीं दिखता क्या आपको? बहुत हिम्मत बढ़ गई तेरी, चल अभी बता दो। अरे 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 क्या कर रहे हैं आप? अरे जवान बेटा है, उस पे हाथ उठाएंगे बाप। और कर भी क्या सकते हैं, या तो हाथ उठा देंगे या डांट देंगे। और आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? मैंने किया क्या तेरे लिए? हाँ सही तो कह रहा हूँ, क्या ही किया है? अगर कहीं घूमने जाऊं तो नहीं जाना, अगर कहीं पार्टी करने जाऊं तो नहीं जाना, एक आईफोन मांगा था वो दिलाया नहीं गया आज तक, क्या कर दिया? बचपन से लेके आज तक तेरी हर डिमांड मैंने पूरी की, तूने एक खिलौना मांगा मैंने 2 लाख दिए, पैसे नहीं भी होते थे ना तो उधार मांगकर तेरा बर्थडे मनाता था, तेरे लिए गिफ्ट लाता था, नए नए कपड़े लाता था। अरे मैंने तो कितने साल इन कपड़ों में गुजार दिए, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। ऑटो रिक्शा ना करके 10-20 रुपए बचाने के लिए ऑफिस कितनी दूर तक मैं पैदल चला जाता था ताकि कुछ पैसे बच सके और मैं तेरे पे खर्च कर सकूं। मैंने और तेरी माँ ने तो कभी हमने अपना बर्थडे नहीं मनाया, क्यों? क्योंकि हम माँ बाप है ना, और हमारी खुशी तो हमारे बेटे की खुशी में। कहाँ बच्चे की बातों को सीरियस ले रहे हैं? तुम चुप करो, आज नहीं रोको मुझे। अब जब इसने सामने से पूछ लिया है कि मैंने किया क्या है इसके लिए, तो हिसाब तो देना पड़ेगा ना। और क्या कह रहा था तू कि मैंने फोन नहीं दिलवाया तेरे को, ये याद है? मार्केट में जब ये नया फोन आया था तो सबसे पहले मैंने तुझे लाके दिया था। अरे मेरे 2 महीने की तनख्वाह चली गई थी इसमें, लेकिन मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद फिर तेरे को एक नया फोन चाहिए था, मैं फिर भी लाके दिया, और फिर भी यही सोचा कि नहीं बेटा है, बच्चा है, इसकी खुशी में मेरी खुशी। पर तू कहता मैंने तेरे लिए किया क्या? अब भी तेरे को लगता है कि मैंने तेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, तो बोल दे। पापा अब माफ भी कर दीजिए ना उसको। नहीं, इसे बताना पड़ेगा कि बाप होना क्या होता है। बाप होना इतना आसान नहीं है बेटा, कल को जब तू बाप बनेगा ना, और रात दिन अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करेगा ना, तब जाके तुझे पता लगेगा कि बाप क्या होता है। तू ये डिजाइनर शूज पहनता ना, और वो भी एकदम ब्रांडेड, कभी सोचा है कि तेरे बाप ने 2 साल से एक ही जोड़ी जूते चला दिए? अरे फट जाते ना तो वही सिलवा के दोबारा पहन लेता हूं, क्यों? क्योंकि 2 पैसे बच सके और मैं तेरी खुशियां पूरी कर सकूं। और तू कहता मैंने तेरे लिए किया क्या है?
आप ठीक बोल रहे हो, मेरी ही गलती थी, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं, आपसे डिमांड करता रहा बस, कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं कि आप किस तरह से मेहनत करके घर में पैसे लाते हो। पापा माफ कर दो। कर दीजिए ना माफ अब। हाँ पापा, आई एम सॉरी और आई प्रोमिस आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, बस एक बार माफ कर दो पापा। बेटा तुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बस इतनी खुशी है। अरे बाप हूं मैं तेरा, तू बेटा है मेरा, प्यार करता हूं मैं तुझसे, तुझे गलत रास्ते में जाते हुए नहीं देख सकता हूं, और मैं कभी नहीं चाहता हूं कि जिस बुरे वक्त से मैं गुजरा हूं तू जिंदगी में कभी वो बुरा वक्त देखे। मैं तो बेटा बस इतना चाहता हूं कि तू खूब मेहनत करे, खूब तरक्की करे, खूब अपना नाम करे और हमेशा खुश रहे। सॉरी पापा, सॉरी।